नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के द्वारा जबलपुर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों का सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें जबलपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले समाजसेवी संगठनों का सम्मान प्रशस्ति पत्र और श्रीफल देकर किया गया। जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराधी संगठन के द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले समाजसेवी संगठनों का सम्मान किया जाता है, जहां संगठन लगातार मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा कर रहा है, वहीं पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारियों का सम्मान भी संगठन के द्वारा किया गया है। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन मिस्टर रमेश शाह जी के दिशा निर्देश पर हमने अपने इस स्थापना दिवस को अपना एक जागरूकता और सम्मान समारोह के रूप में मनाया, जिसमें हमने जबलपुर और आसपास के सभी सामाजिक संगठनों, एनजीओ और समाजसेवी व्यक्तित्वों को आमंत्रित कर उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया और चर्चा हुई, समाज सेवा और मानवता धर्म के विषय पर चर्चा हुई और एक दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान किया गया कि समाज सेवा के मार्ग पर और किस तरह से ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह से बढ़ा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराधरोधी संगठन का मध्य प्रदेश में नए सिरे से नया संचालन है और आगे हम हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़्यादा ताकत, ऊर्जा और उत्साह के साथ गतिमान होते होंगे और सभी सामाजिक संगठनों से परस्पर सामंजस्य और सद्भावना की भावना बनाते हुए एक दूसरे के कार्य आएंगे। किस तरह काम करेगा आपका संगठन? हमारा संगठन 5 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा एवं विकास और स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता अभियान, और इसके साथ किसी भी अपराध और अन्याय का विरोध करना हमारे सामाजिक हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी दिशा में हम आगे गतिमान होते रहे। अभी कहां चल रहा है हमारा ये संगठन? मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, कुछ गिने राज्यों में अभी संचालन प्रारंभ हुआ है और राष्ट्र स्तर पर 10 से 12 राज्यों में कार्य कर रहा है। दीपक सिंह परिहार।